अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने शायद नहीं भी खाई हो। हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न से चाट, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थोड़े से चेंजेस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इवनिंग स्नैक टाइम है, परफेक्ट आपके लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे एक पैन में बटर, बटर को मेल्ट होने देंगे और सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता। आपके पास फ्रेश करी लीव्स हो तो वो भी डाल सकते हैं, हमारे पास ये ड्राइड है तो वो हम डाल रहे हैं। इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। फिर हम डाल देंगे कॉर्न, स्वीट कॉर्न हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये हमने बॉईल कर लिए थे। बॉईल आपको जब भी करना है तो उन्हें नमक डाल के आप बॉईल कर लें और फिर यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बटर में करी पत्ता डालें और फिर स्वीट कॉर्न डालें और इसको थोड़ा मिक्स कर लें साथ में। और बस आप गैस की फ्लेम को कर दें बंद और इन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लें, एक बड़े बोल में, क्योंकि उसमें हम कुछ सामान मिलाने वाले हैं। और अब हम इसको एक बोल में, बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है ये जो कॉर्न चाट का तरीका है, ये है पुणे का स्पेशल, तो वहाँ पे इसी तरह की कॉर्न चाट मिलती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर इसे बना के देखिएगा। नॉर्मल ये कॉर्न तो आप खाते होंगे, स्वीट कॉर्न ज़्यादातर मॉल्स के बाहर मिलते हैं, आप बटर मसाला कॉर्न खाते हैं, सिंपल स्वीट कॉर्न खाते हैं, बट ये है कॉर्न चाट। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें, पर यहाँ हम लोगों को ज़्यादा प्याज थोड़ी पसंद है, तो हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कटी हुई प्याज डाल रहे हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अच्छा, तीखा जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। ये 2 से 3 हरी मिर्ची हैं, बारीक कटी हुई तीखी वाली हरी मिर्ची यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। जितना तीखा खट्टा होता है ये उतना ही टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें काला नमक, क्योंकि हमने कॉर्न उबालते समय वाइट नमक डाला था, सफ़ेद नमक, और अब इसलिए यहाँ पर काला नमक का यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब डाल देंगे थोड़ी सी, लगभग 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर हम डालेंगे, और ये है 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। तो बहुत ही चटपटे बनने वाली है ये कॉर्न चाट, आपको बेहद पसंद आएगी। ये है 1 बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ, ये भी हमने इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से मिला दें और लास्ट में इसमें जाएगा 1 नींबू का रस। इसमें डाल दें कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। बहुत ही अच्छी कॉर्न चाट बनकर तैयार होने वाली है, जो बेहद पसंद आएगी। आप शाम के स्नैक्स में इसे बना सकते हैं और बच्चों को और सभी लोग खाएंगे, तुरंत बिल्कुल जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही सर्व करेंगे लोग इन्हें फटाफट ख़त्म कर देंगे। और ये हमारी स्वीट कॉर्न मसाला चाट रेडी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और टेम्पटिंग लग रही है कि देखते ही खाने का मन कर जाए और मन ललचाने लगे। तो फटाफट, देर किस बात की है, इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। फिर सिंगल लोगों के सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। आप ज़रूर इस चाट को ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। पुणे स्टाइल स्वीट कॉर्न चाट आप जब भी खा के देखेंगे आपको मन ललचाएगा और आप बार बार खाने का मन करेगा। तो ये लीजिए, लास्टली हमने इसको पुदीना और लेमन से कर दिया है गार्निश। तो फटाफट इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को हमें ज़रूर शेयर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।